दोस्तों, आप सभी लोग का अनुपूर्णा सर्वेश्वरी सुमन के रसोई में स्वागत है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति बिल्कुल नजदीक आ चुकी है और मकर संक्रांति में हम गुड़ और लाई से तरह तरह की मिष्ठान बनाते हैं। लड्डू बनाए लाई से, आप जो भी बनाना चाहे बनाते हैं, पर आज हम लोग जो बनाएंगे वो क्रिस्पी और खस्ता चिक्की बनाएंगे। और बनाना बेहद आसान है, सिर्फ इसके थोड़े से हम लोग पाक का ध्यान दें तो बहुत ही कुरकुरी और क्रिस्पी बनती है हमारी चिक्की। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं और आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग भी हमारे जैसी चिक्की बना सके। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए गुड़। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम गुड़ लिया है और मात्र 50 ग्राम चीनी, क्योंकि चीनी इसको कड़क बनाती है। चीनी पाक को जलने नहीं देती है गुड़ के, और इसको कड़क बनाती है जो कि एकदम खसखस की तरह बने और टूटे बढ़िया से। और इसमें चाहिए थोड़ा सा हमें देसी घी। यहाँ पे बढ़िया हमें मुरमुरे लाए चाहिए जिससे को कि क्रिस्पी रहे, एकदम तोड़ते ऐसे धूप की तरह हो जाए वैसा चाहिए। तो चलिए अब बनाते हैं। हमने पैन रखा है, ये पैन का हमारा पूरा ऊपर का जो कि इसका पॉलिश है छूट चुका है, कोई बात नहीं। इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, पाक तैयार करते हैं, क्योंकि पाक में ये बर्तन को पकड़ता नहीं, इसीलिए मैं इसमें कर रही हूँ पैन में। आप चाहे तो कढ़ाई में भी कर सकते हैं, वैसे तो ज्यादा रहता तो हमें कढ़ाई में करना पड़ता, क्योंकि ये थोड़ा सा हम चिक बना रहे हैं चिक्की, तो इसलिए हम इस पैन में बना लेंगे। पर अगर ज्यादा बनाना हुआ तो हमें बड़ी कढ़ाई चाहिए। तो यहाँ पे हमने पैन में थोड़ा सा बड़े वाले चम्मच से 4 से 5 चम्मच पानी डाल दिया है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा देसी घी, और ये पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं ये चीनी, थोड़ी सी चीनी को गलने देते हैं, क्योंकि चीनी थोड़ा सा टाइम लेती है गुड़ से गलने में, तो इसको एक ही साथ डालेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा गलने, इसलिए थोड़ा सा चीनी को गला देते हैं। यहाँ पे चीनी हमारी गल गई है और घी भी गरम जो पानी था उसमें मिल चुका है, और अब इसी में डाल देते हैं हम पाक के लिए जो हमने गुड़ लिया था। दोस्तों, हम चीनी क्यों डालते हैं गुड़ में ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि चीनी से जो हमारा पाक होता है वो कड़क बनता है और गुड़ जो हमारा है वो जलता नहीं है। अगर ये चीनी थोड़ा सा हम नहीं डालना तो पाक काला पड़ जाता है और जो हमारा गुड़ है कड़क होता है, पर इसमें जो कि जलने के बाद एक स्वाद आता है ना वो आने लगता है हमारे पाक में, इसीलिए हम चीनी डालते हैं। चीनी गुड़ के साथ मिलकर के कड़क हो जाती है। अब इसके पाक को हम लोग तैयार करते हैं। गुड़ हमारा गल चुका है क्योंकि पानी इसमें कम है, तो पानी जलने में बहुत समय नहीं लगता है, इसीलिए हम लोग पानी कम डालते हैं। जैसे कि हम लोग को मुरमुरा का लड्डू बनाना हो या चिक्की बनाना हो तो पानी जितना कम रहे उतना ही हमारे पाक के लिए भी अच्छा होता है और कम समय लगता है, और जो गुड़ का पाक है वो कड़क बनता है और बहुत बढ़िया बनता है। पाक को दोस्तों हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार हाथ से देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया और देखिए तार बन रहा है, तार तो बन रहा है लेकिन जो हमें चिक्की वाला पाक चाहिए ना वो नहीं बना। इस पाक में आप चाहे तो लड्डू लाई का पाक सकते हैं, पर अभी हमें चाहिए चिक्की वाला पाक। पर चिक्की वाला पाक अभी आप गैस का फ्लेम, इस जब आपका पाक ऐसा बनने लगे तो आप गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर दें, तेज जो आप तेज में पकाए उसको कम कर दीजिए। और अब इस पाक को थोड़ा सा हम लोग चलाते हैं और 1-2 मिनट बाद इसको हम लोग पानी में डालकर चेक करेंगे। दोस्तों, ये पाक हमारा बढ़ जा रहा है, इसको हम लोग अपने गाँव में भाषा बोलते हैं कि गुड़ बढ़ रहा है, मतलब ऊपर को आ रहा है। और अब इस गुड़ को हम लोग डालते हैं थोड़ा सा पानी में और अपना पाक चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने पानी में पाक को डाल लिया है, कड़क जब तक नहीं होगा तब तक पाक हमारा सही नहीं है। ये पाक हमारा अभी थोड़ा सा, इस पाक में अभी कड़क नहीं आया है, अभी थोड़ा सा पाक को और चाहिए। ये पाक हमारे लड्डू के लिए परफेक्ट है, पर हमारे चिक्की के लिए भी ये पाक सही नहीं है। देख सकते हैं कि हम अब दोबारा अपने गुड़ के पाक को चेक करते हैं। वैसे अब धीरे धीरे लग रहा है कि हमारा पाक जो कड़क हमें चाहिए वो हमारे चिक्की के लिए हो चुका है। तो इसको पहले थोड़ा सा हम यहाँ लेते हैं, यहाँ पाक को हम लेकर के और थोड़ा सा हम डालते हैं पानी में और थोड़ा सा ठंडा होने पे इसको चेक करेंगे। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर दें, एकदम शून्य पर कर दें, 0 पे। और अब इसको हम लोग उठाकर देखते हैं हमारा पाक कैसा बना है, कड़क चाहिए, कड़क हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिये टूट रहा है, टूटने का मतलब कि अब ये हमारा पाक टूट रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो इतने पे हमें पाक बढ़िया चाहिए, अब हो चुका है, इसमें हम थोड़ा लाई मिला देते हैं। तो अब ये पाक देख सकते हैं, पाक का कलर काफी चेंज हो गया, जला नहीं है, बस पाक हमारा बढ़िया बन चुका है। अब इस पाक में हम डाल देते हैं लाई। दोस्तों, यहाँ पे हमारी लाई कम रहेगी गुड़ में, तो पहले इसको थोड़ा सा हमने लाई डाल लिया है और अब इसको मिला लेते हैं और गैस का फ्लेम एकदम कम कर दें,
ज्यादा फ्लेम हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें हमारा पाक तैयार है। अगर तेज किया तो हमारी चिक्की का जो पाक है वो जल जाएगा और जलने के बाद पाक अच्छा नहीं बनता है। थोड़ा सा और इसमें लाई डालते हैं, अब इसको भी हम लोग इसी पे मिला देंगे, और जो हमारा किचन का फॉर्म है उसी पे डालेंगे। रिफाइंड ऑयल से बहुत जल्दी छूटता है, आप घी डालना चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, और उसपे बहुत जल्दी फैल जाता है, बहुत जल्दी ठंडा होने के बाद कड़क भी हो जाता है। तो यहाँ पे लाई हमारी मिल चुकी है, हमने रिफाइंड ऑयल लगाया है। अब इसी पे पूरे हम जो लाई वाला हमारा चिकी का पाग है ना, उसको इसी पे हम लोग गिरा देंगे। देखिए पैन में बिल्कुल नहीं लगा, इसीलिए थोड़ा है तो पैन में बन गया, देखिए ना गुड़ इसमें नहीं लगा। अब इसको हमें क्या करना है कि इसको हम लोग को फैला लेना है। आप जैसे भी आपको सुलभ पहुंचे वैसे आप इसको चौकोर में या जैसे भी फैलाए, पर जल्दी फैलाना है, क्योंकि जल्दी अगर नहीं फैलाएंगे ना तो ये कड़क होने लगता है ठंडा। और हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लें जिससे कि ये जले ना हाथ आपका, क्योंकि अभी बहुत हमारा गुड़ गर्म है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे चौकोर फैला रही हूं मैं। आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, घर पे ही आप बिल्कुल सस्ते दाम में आप लाई की या किसी भी चिकी जो आप चिकी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा रही हूँ दोस्तों, बहुत जल्दी इसको करना पड़ता है तो इसीलिए। और अब इसको करना हमें क्या है, थोड़ा सा चारों तरफ से इसको हम लोग सेटिंग करेंगे ऐसे, ताकि ये मकर संक्रांति पे बनाए, ऐसे भी आप बच्चों को बना कर दें, बच्चे लोग बहुत प्यार से और बहुत चाव से इसको चिकी खाते हैं। अब इसको हमें करना क्या है, इसको आप एक रोटी वाला बेलन लें और इसको थोड़ा सा हमें बढ़ा देना है, बस कुछ नहीं करना है, थोड़े में करना है, ज्यादा में नहीं करना है, जिससे कि ये हमारी चिक्की अच्छे से इसमें चौकोर हाथ से एक तरह से करते जाए। और बस बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि हमारा ट्रे तो है नहीं, ट्रे रहता तो एक तरह से बंधा होता, हमने इसको ऐसे किचन प्लेटफॉर्म पे ही डाला है। और देखिए ये चार तरफ से हो गया है और इसको हमने बेल दिया है, तो ये जैसे कि रोटी हम लोग बेलते हैं ना, बस उसको आपको हल्का सा इसी पे ऐसे घुमा देना है, ताकि सारी लाई है वो परफेक्ट एकदम से बैठ जाए। और यहाँ पे देखिए हमारा बैठ चुका है लाई, अब इसको कम से कम 3 से 4 मिनट छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो हमारा पत्थर है, पत्थर पे ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है लाई। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने चौकोर बैठा दिया है। तो दोस्तों अब ये चिक्की को हमने अच्छे से फैला दिया है, अब इसको ठंडे होने पे इसको चाकू से अगर कट जाए तो बेहतर है, नहीं तो हम लोग जो कि पिज्जा कटर होता है ना उससे काटते हैं, वो लोग के पास बड़ी बड़ी वो काटने वाली होती है, एक साइड वो लोग काटते हैं, पर हमारे पास तो वो बड़ी वाली नहीं है, फिर भी हम लोग पिज्जा कटर से इसको काटेंगे। और देखिए चारों तरफ से ये चिक्की अच्छे से फैल चुकी है और इसको चौकोर शेप दे दिया है। लाई ऊपर से देख सकते हैं, ऊपर से पूरी लाई भी एकदम बढ़िया से जम चुकी है, ये जो हमने इसको ऐसे दबा दिया था ना उसी के वजह से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो चिक्की थी वो ठंडी हो चुकी है लाई वाली, अब इसको हम लोग आपको जैसे शेप देना है दे लीजिए, थोड़ा ये हार्ड पड़ रहा है, और इसको हम लोग बस ऐसे ही काट देंगे। और ये देखिए ये निकल गई, और ऐसे ही हमें एक शेप में इसको बढ़िया से काट लेना है, जैसे कि कट जाए, थोड़ा टाइट पड़ता है ना इसी से वजह से। इसी तरह से हम सारे शेप को काट लेंगे चिक्की का। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी लाई चिक्की बनके रेडी हो चुकी है, और मैं इसको आपको तोड़ के दिखलाती हूँ कि ये कितनी अच्छी और कितनी क्रिस्पी बनी है। देखिए ये है हमारी लाई चिक्की, ऐसे अगर आप बनाएंगे तो आपकी भी लाई चिक्की क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरी बनेगी। तो आप लोग भी इसको ऐसे ही बनाइएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे बनाने का तरीका कैसा आप लोग को लगा, हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो हम लोग दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।